हेलो फ्रेंड, आज हम आपको प्लेटेड गाउन बताएंगे जिसके लिए हमने ये देखिए नेट लिया है और ये हमारी इसकी लाइनिंग है। नेट हमने 3 मीटर लिया है और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो पूरी तैयार रखेंगे हम 40 इंच। इसको हमें नेट को कट नहीं करना है, ये हमें सिर्फ ऐसे ही रखना है लाइनिंग को। और इसको ये इसकी जो चोली कट करेंगे वो हम अलग से कट करेंगे। देखिए ये देखिए, ये हमने फुल लेयर में कपड़ा लिया है। अब ये देखिए, जो सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे वो तैयार हम 14 इंच रखेंगे, तो इसे हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 1 इंच नीचे। यहाँ से ये हमने 15.5 इंच लिया है और यहाँ से भी इसे 15.5 लेकर कट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से अपना तीरा नापेंगे, जो हमारा तीरा है 13 इंच, तो इसमें हम 6.5 इंच लेंगे। अगर आपका तीरा ज़्यादा है तो यहाँ से 7 इंच लें। और जो आर्म होल लेंगे, वैसे हम नॉर्मली 7 इंच लेते हैं, इसमें हम 6.5 इंच लेंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो इसे 7 लें। और इसमें जो हम बैक वाले में कर्व देंगे वो हम 1.5 इंच का देंगे, फ्रंट में 1 इंच का। ये हम ऊपर से और आधा इंच गहराई लेंगे इसकी और फ्रंट वाले की। जो गला हम ऊपर से लेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे, आप जितना पहनते हैं उतना रखें। और नीचे को जो इसकी हम नीचे को गहराई लेंगे गले की, वो हम 6 इंच लेंगे। यहाँ से भी इसे 2.5 इंच लेके इससे मिला देंगे, इसमें राउंड शेप देंगे। अभी देखिए, उसके बाद में जो हमारी ब्रेस्ट नापेंगे वो है हमारी 32 इंच। 32 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा, 8 इंच में और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम लूजिंग के लिए, तो यहाँ से 10 इंच लेंगे। और जो हमारी कमर है वो है हमारी 28 इंच, 28 का 1/4 भाग आएगा साथ, और इसमें भी हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, तो यहाँ से 9 इंच लेंगे। और इसे ऐसे तिरछा मिला देंगे इससे। इसी तरीके से इसे कट कर लेंगे। यहां से थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से लिफ्ट करेंगे। पहले हम बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट फेस की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी लाइनिंग कट करेंगे। अब ये देखिए, लाइनिंग के कपड़े को भी हमने 4 लेयर में रख लिया, और इसी तरीके से इसको हमने रख के चोली के कपड़े को कट करना है। अब ये देखिए, इसके बाद में हम अपनी बाजू कट करेंगे। ये बाजू का कपड़ा हमने 4 लेयर में रख लिया है। बाजू की जो फुल तैयार रखेंगे वो हम 18 इंच रखेंगे। इसमें हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और यहाँ से हम जो आर्म होल लेंगे, वैसे तो हम यहाँ से 9 लेते हैं जब 7 इंच कट करते हैं, ये हमने 6.5 कट किया है तो हमने इसमें 8.5 लिया है। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से हमने ये 19.5 इंच है, तो यहाँ से हमें ये 3 इंच कम लेना है, इधर की साइड से खुले की साइड से 3 इंच कम लेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे इसे। और
और यहाँ से अपने बाजू की फिटिंग के अनुसार रखें। नीचे से हमारी बाजू की फिटिंग है 5 इंच और इसमें हम 1.5 इंच कपड़ा और लूजिंग के लिए लेंगे तो 6.5 इंच लेंगे और इसे इससे ऐसे मिला देंगे तिरछा करके। और फ्रंट पीस में हम 1/2 इंच की गहराई और देंगे उसके लिए, यहाँ पर वो हमें 2 पीस में लगानी होती है। इसके 2 पीस को उठा के ऊपर वाले 2 नीचे छोड़ने हैं और इसमें 1/2 इंच की गहराई और दे लेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस की तरफ आएगा। अभी देखिए हमारी चोली और बाजू कट के तैयार हो चुकी है। उसके बाद जो हम घेरा अटैच करेंगे ये लाइनिंग के साथ, इसको हमें इस तरीके से खोल के कपड़े को और इससे मिला के ये हम लंबाई की साइड से करेंगे। जो हमारा अर्ज है उधर से नहीं करेंगे, इन दोनों किनारी को मिला के और पूरे में हम सिलाई लगाएंगे इसमें, ताकि प्लेट डालने में दिक्कत ना हो। इस दोनों को ऐसे मिला के पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले हमें चोली तैयार करनी है। और चोली के लिए देखिए ये हमारा जो नेट वाला कपड़ा है ये इधर से सीधा है और ऊपर की साइड से उल्टा है, तो हम इसे ऐसे रखेंगे, पलट के करेंगे तो हमारा ये सीधा आएगा। देखिए अंदर की तरफ ले आया हमने ये सीधा कपड़ा और ये पूरे गले के ऊपर हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरे राउंडली गले पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा के तैयार करना है। और उसके बाद इसमें हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि हमारे पलटने में झोल वगैरह ना आए, सिलाई ना कटने पाए, सिलाई से दूर लगाने हैं ये वाले कट हमको। और इसे पलट के इस तरीके से इसके गले पे हम सिलाई लगा देंगे पूरे पे। मैं इसी तरीके से पूरे गले पे सिलाई लगा के तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद में हमें चारों तरफ से सिलाई लगाना है, आर्म होल की साइड से और बाहर से। और जिस तरीके से हम ये फ्रंट पीस तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से हमें बैक वाला पीस तैयार करना है। ये चारों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसके हम तीरा को जॉइंट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले तीरा को भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसी तरीके से करना है इसको भी। अभी देखिए इसकी बाजू पे हमने नीचे लेस लगा ली है, इसे फोल्ड कर लिया है बॉटम की तरफ से और इसे ऐसे इसी तरीके से लगाना है। जो हमने 1/2 इंच का गहराई दी थी वो हमें फ्रंट फेस की तरफ रखनी है। ये बाजू को हमें खींचना नहीं है क्योंकि ये नेट की बाजू है तो ये खींचती है, इसे बिल्कुल आराम से लगाना है।
जिस तरीके से हम इसमें बाजू को लगा रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को भी लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी बाजू लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए बाजू दोनों लगा के तैयार कर लिए। ये आप अपनी फिटिंग के अनुसार रखें, यहाँ से इसकी फिटिंग करेंगे। इसको बिल्कुल ऐसे साफ पकड़ के तब चलाना है सिलाई को। कि ये दोनों चीज मिलनी चाहिए जो हमारी आर्म होल की जॉइंट है। और इसमें नीचे तक इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा के और ऐसे ही दूसरी तरफ से सिलाई लगा के तैयार करेंगे। अब ये देखिए चोली हमने तैयार कर ली है, इसे सीधा कर लेंगे। चोली हमें सीधी रखनी है। अब देखिए ये हमें यहाँ कमर की साइड में प्लेट डालनी है और इसके ऊपर हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, लाइनिंग और नेट दोनों पर। और जो इसके दोनों सिरे हैं इनको हम सिल के बंद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे हम बंद कर लेंगे सिल के। ये देखिए नीचे बॉटम तक सिल लिया है हमने, इसे पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए उसके बाद ये हमें घेरे के अंदर इस चोली को डालना है। अब ये देखिए, अब उसके बाद ये देखिए इसमें हम करीब 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे चोली का जो घेरा है उसके ऊपर डालने हैं। इसे अच्छे से सेट करके तब डालने हैं। ये देखिए इसी तरीके से हमें ये पूरे में डाल के तैयार करने हैं। जितना भी हमारा कपड़ा है इसमें पूरे में डाल लेंगे इसको। अब ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरे में प्लेट डालनी है। अब ये देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और उसके बाद जो इसका नीचे बॉटम है इस पर हम एक लेस लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही भी रख सकते हैं, हम इसके ऊपर एक लेस लगा के तैयार करेंगे। अभी देखिए इसके नीचे बॉटम पे ये वाली लेस लगाएंगे हम। और ये पूरे में लगा के और इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई डबल लगा के इसे कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। इसी तरीके से इसे पूरे में लगाते चलेंगे।
बॉटम पे लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसकी बॉटम पे पूरे पे लेस लगा ली हमने और इसके गले पे भी लगा के तैयार कर दिए। ये इस तरीके से बन के आया है पूरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।